टीवी के फेमस शो अनुपमा में माया जो चाहती थी वो हो भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर उसे 15 दिन की मोहलत देकर अनुपमा ने अपने घर में रखा है, तो वहीं अब धीरे धीरे उसे छोटी अनु की कस्टडी भी मिल रही है, जो कि छोटी अनु के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो रही है, जिससे अनुपमा को डर सता रहा है क्योंकि उसने माया से वादा किया है कि अगर वो अनु के दिल में जगह बनाती है तो वो उसे अपने साथ ले जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप शो में देख ही रहे हैं कि माया का मकसद सिर्फ अनु को पाने तक का ही नहीं है, बल्कि वो तो अनुज से भी अट्रैक्ट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, माया चाहती है कि उसका भी एक भला पूरा परिवार हो और अब वो धीरे धीरे अनुज से प्यार करने लगी है। ऐसे में वो अनुज के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए उसे इम्प्रेस कर रही है और छोटी अनु को भी भरपूर प्यार दे रही है, जिससे अनुज को काफी खुशी मिल रही है। इसलिए अब जहाँ अनुज ने अनुपमा से छोटी अनु को पिकनिक ले जाने से साफ मना कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो अनुपमा के सामने बहुत बड़ी बात कहेगा, जिससे अनुपमा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अनुज को अनुपमा का बार बार शाहहाउस जाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब वो अनुपमा से कहेगा कि उसने अनुपमा से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अनुपमा तो उसके लायक है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी बात अब अनुज के मुंह से अनुपमा के लिए निकलेगी, जिसके बाद अनु को भी समझ आ जाएगा कि अनुज अब उसका नहीं है। पर क्या ऐसे में अनुपमा अपने पति और बेटी को छोड़कर चली जाएगी, या फिर माया को ही अनुज की जिंदगी से निकाल कर फेंकेगी? ये देखने वाली बात होगी। वेल दोस्तों, क्या कभी अनुपमा की जिंदगी में खुशियां ठहरेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।